खबर आपको दें कि अदाकार अदनान सिद्दीकी के मनफी किरदार पर मबनी मुख्तसर फीचर फिल्म जामन का दरख्त को कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए मुंतखब कर लिया गया और ये यकीन हम पाकिस्तानियों के लिए बाइस फख्र है। और ये जो इसमें कहते हैं ना एक लाइन जो पकड़ी गई है या फिर जो एक रुख दिखाया गया है उस पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें सीनियर प्रोड्यूसर ने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सैयद मुराद अली ने ज्वाइन किया है और फिल्म के डायरेक्टर हैं राफे राशिदी साहब, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सैयद मुराद अली जो हैं वो परवीन जो शाकिर हैं उनके बेटे भी हैं और उनकी पिक्चर मैं अभी देख रही थी, उनके पास मौजूद थी और मैंने उनको बोला कि आप बिल्कुल कार्बन कॉपी हैं अपनी मदर की, तो आपकी भी मुलाकात करवाते हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत हैं? आप खैरियत से हैं? फिल्म का कैसा ये रिस्पॉन्स आपका? मैं पहले आपसे राफे, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं फिल्म के, अभी हम जो बात कर रहे थे मैं और सहरेश की, ये जामन का दरख्त क्यों है? ये फिल्म का नाम जामन का दरख्त क्यों है, क्या वजह है इसकी? देखिए, पहली बात तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें दावत दी अपने शो पे। और टाइटल जो है लिखा है स्क्रिप्ट कंपोजिंग बाय बीगुल डायलॉग्स। जामुन का जो फ्रूट है उसका जो स्टेन होता है वो रह जाता है और वही कंपैरिजन है फिल्म के किरदारों पर कि अपनी चॉइसेस जो है अगर आप करते हैं तो वो जिंदगी पर रहती हैं। एंड दैट्स द डेफिनेटिव मीनिंग बिहाइंड जामुन का दरख्त, दैट जो समझ सकते हैं हम, एंड दैट्स वेरी डीप। अच्छा, इसमें जो सोशल मैसेज आपने दिया है, थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ आपके जहन में थी जिसको सोच के फिर आपने इस मूवी को बनाया और सोचा कि ऐसी होनी चाहिए, और वो मैसेज आपने किस तरह डिलीवर करने की कोशिश की है? तकरीबन 2.5-3 साल पहले जो था, मैं एक कहानी पे सोच रहा था जो जेंडर वॉर्स पे फोकस करता है एक मर्द और औरत के बीच में, जो पॉपुलर कल्चर में बहुत कायम है। और बीगुल के साथ एक सिटिंग हुई जहाँ पे हमने कहा कि हम इस कहानी पे काम करें, तो इसीलिए उस पर कोई कंक्लूसिव एविडेंस कभी भी नहीं आया। तो हमने कहानी बनाई और बीगुल की एक्सटेंसिव रिसर्च बहुत ज़रूरी थी, जिसके ऊपर हमने उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि फैशन इंडस्ट्री पे हम लोग एक मौजू को उठाते हैं, और उसी के बाद जो है हमने कहानी बनाई और मोस्टली फोकस करता है एक कंक्लूसिव एविडेंस पे, सही क्या मर्द सही है या औरत सही है। लेकिन हमने इस चीज का फैसला फिल्म के अंदर नहीं किया है, ये हमने ऑडियंस की तरफ डाल दिया है कि वो फैसला करें। सही। अच्छा, ये मुराद, ये कहानी जो है वो शोबिज इंडस्ट्री से रिलेटेड है और शोबिज इंडस्ट्री से रिलेट होने के साथ मी टू की बहुत ज़्यादा बात हुई, कास्टिंग काउच की बहुत ज़्यादा बात हुई, वो कि इस पर पहले माजी में इस तरह से कभी भी बात नहीं हुई, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये कहानी इन चीज़ों पर मबनी है और यही चीज़ें इस फिल्म के अंदर मौजूद हैं? जी मुराद, आपको आवाज़ आ रही है? जी सो बिल्कुल, देखें ये चीज़ें जो रियलिटी में होती हैं वो उसी उन्हीं की इक्कासी करना चाहते हैं, और फिल्म का मकसद ही यही होता है कि जो रियलिटी है उसको आप पोर्ट्रेट करें और फिर एक डिस्कशन एक तरह का आप यू नो इनॉग्रेट करें और उसके ऊपर बातचीत की जाए। सही। तो मुराद, इस किस्म की कहानी और वो भी शोबिज इंडस्ट्री में रहते हुए, शोबिज इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो इस कहानी पे कोई इतराज़ात नहीं उठे उस वक्त के, यार ये क्या आप करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? मतलब जिस इंडस्ट्री की कहानी है उसी इंडस्ट्री वाले ही इस कहानी को पूरा बाकायदा बना कर दिखा कर और शानदार तरह से वो लेकर आए हैं, और आपकी फिल्म जो कांस तक पहुँची है ये भी बड़ी अचीवमेंट इसी कहानी के पीछे? फिर बिल्कुल, देखिए ना, कभी कभी आपको चुपते हुए टॉपिक के ऊपर ही बात करनी पड़ती है, उनको हटा के नहीं रखना चाहिए, राइट? और इसी वजह से आई थिंक ये जो कांस फेस्टिवल, उन्होंने देखा कि ये एक फिल्म मेकर है जिसने एक यू नो सेंसिटिव टॉपिक को उठाया और फिर उसके ऊपर बात की, उसके ऊपर फिल्म बनाई, तो इसीलिए उनको पसंद भी आया और उन्होंने हमारी मूवी को सेलेक्ट भी किया। सही। अच्छा, मैं राफे आपकी तरफ आती हूँ, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कितना टाइम लगा इसकी रिकॉर्डिंग में और फिर कास्ट आपने किस तरह चूज की, ज़रा आप इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, ये इस प्रोसेस को करीबन 2.5-3 साल हो चुके हैं। मेरा सीरियल था बादशाह बेगम, उससे पहले बीगुल के साथ हमने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, और ये 3 साल की डेवलपमेंट है।
और हमने इसको शूट किया था पिछले साल 2022 में, और हमने जो है अभी हमने जो है इसको अभी ही रिलीज किया है फेस्टिवल्स के लिए, तो ये बस सॉरी 2023 के अंदर, तो रिसेंट ही है और प्रोसेस चल रहा है. लेकिन एक बात मेंशन करूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर एक स्ट्राइक चल रही थी, राइटर स्ट्राइक की और एक्टर स्ट्राइक की, तो हम कुछ रुक गए थे. फिर हमने फैसला किया कि हम उसको तब सबमिट करें जब ये जो इशू था ये ढल जाए, और उसके बाद हमने ये आगाज किया, और उसके बाद जो है ये बस हमें पहली हमने इसमें अदनान सिद्दीकी को देखा है, बड़े वो मेन कैरेक्टर में इसमें नजर आ रहे हैं. उनको ही कास्ट करने की वजह क्या थी, इसके अलावा दीगर कास्ट के बारे में बताएगा? एक नौजवान और भी हैं जो बिल्कुल नया फेस लग रहे हैं मुझे तो. अदनान सिद्दीकी एक इंतहाई आला शख्सियत है. खुशी इस बात की हुई कि उनको स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने कबूल किया इसको. बाकी किरदार जो इस कहानी के अंदर हैं, उसके अंदर समन अंसारी हैं, फौजी अमान हमारी सुपर मॉडल है, महा ताहिरानी जो हैं वो हमारी अवार्ड विनिंग फैशन मॉडल है, योगेश्वर करेरा हैं, अहा तौकीर हैं, ये नापा के बच्चे हैं, वी हैव नौशीन शेख इज वेल एंड रमेशा नवल. तो ये सारे मेरिट पे हमने बाकायदा ऑडिशंस के थ्रू कंडक्ट किए थे जिनको लिया गया था. और अदनान भाई का इन्वॉल्व होना एक हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि वो इस फिल्म का हिस्सा है. अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा राफे, कि ये फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में अब वहाँ पर सेलेक्ट हो गई, वहाँ जाना, ये इसके मौसू के अतबार से आप समझते हैं कि ये वजह वहाँ पर बनी है, या ये हमेशा ये बात भी बहुत ज़्यादा होती है एक स्कूल ऑफ थॉट की जानिब से कि पाकिस्तान के हमारी सोसाइटी के खिलाफ कुछ चीज़ें बन जाएँ तो वो वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में आती हैं, बाकी हमारी फिल्म में नहीं आती, ये भी एक पैरेलल तनकीद रही है? नहीं, देखें, मैं प्रोपेगेंडा फिल्म में बिलीव नहीं करता हूँ. पहली बात तो ये है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है. सही. ये एक मौजू है, ये एक इशू है जो हाईलाइट करता है जेंडर वॉर्स को. हमने मेरिट पे अपनी फिल्म को सबमिट किया है कि इशू क्या है. हमें अंदाजा नहीं था कि फिल्म जो है वो किस तरह एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी. आपकी बात से मैं अग्री करता हूँ कि मोस्टली जो है वो नेगेटिविटी को हाईलाइट करते हैं, लेकिन हमारा मौजू नेगेटिविटी भी नहीं है, हमारा मौजू है इशू पे. सही. मर्द और औरत के दरमियान. तो जब हमने लिखा था तो हमने ये नहीं सोचा था कि ये कोई चीज को हाईलाइट कर रहा है. हमने कहा था कि यार एक इशू के बारे में बात करते हैं जो कल्चर को हाईलाइट करता है, उसके ऊपर हम डिस्कोर्स पैदा करें, हम कॉन्वर्सेशन पैदा करें. सो दिस इज इन नो वे व्हाटसोएवर एन आइडिया टू पुट एनीथिंग डाउन. दिस इज अ कंप्लीट कोरिलेशन ऑफ द आर्ट एंड एंटरटेनमेंट एंड दैट्स द फोकस. सही. अच्छा, मुराद भी इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं. मुराद, मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? दूसरा, कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका ये फीचर फिल्म जो है ये नॉमिनेट हो जाएगी कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के लिए, कुछ अपने एहसासात जज्बात उनसे हमें आगाह करें ना. देखिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने मूड के लिए कुछ करूँ, और जब मुझे पता चला कि ये फिल्म कांस में सेलेक्ट हो गई है तो मुझे बहुत फख्र हुआ कि यू नो पाकिस्तान का नाम और रोशन होता है. और मैं चाहता हूँ, मैं हूँ तो कैनेडा में, मगर एट द एंड ऑफ द डे मैं मोहब्बे वतन हूँ. मैं चाहता हूँ कि अपनी मुल्क के लिए कुछ करूँ, तो अगर किसी तरीके से मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ाऊँ और ऊंचा करूँ, दैट वुड बी ग्रेट. ड्यूरिंग शूट कोई ऐसा वाकया मुराद जो कि आपको हमेशा याद रहेगा, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए. कौन सा, सॉरी? ड्यूरिंग शूट कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो कि आपको हमेशा याद रहेगी? मैं शूट के लिए पाकिस्तान में तो नहीं था, मगर राफी की तरफ से मुझे काफी स्टोरियां मिली थी कि यू नो हमारे जो स्टार्स हैं और हमारे जो क्रू वाले हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल, और वो हमेशा यू नो दे गिव गुड अपीयरेंसेस एंड गुड क्वालिटी वर्क. तो आई डोंट थिंक कि कोई और वजह नहीं होनी चाहिए हमारी फिल्में और आगे बढ़े और दुनिया में मशहूर. अच्छा मुराद, फिल्म के प्रोडक्शन में यानी कि फिल्म प्रोड्यूस करने में क्यों आपका कुछ शौक है? कोई आप फिल्म पढ़ रहे थे या क्या वजह है कि आप फिल्म प्रोडक्शन में आए हैं, वजह क्या है? आई थिंक देखिए, मेरी अम्मी को शायरी का बड़ा शौक था. बहुत बड़ी रिनाउंड को है, तो शी आई थिंक ये जो आर्ट्स है ये आई गेस इट्स पार्ट ऑफ माय फैमिली लेगेसी. तो वो वेरियस टॉपिक्स को
शेर शेर और गजल के तौर पे बयान कर दी थी. आई डोंट हैव दैट टैलेंट, तो मैं मूवी के तौर पे वेरियस यू नो इमोशंस और स्टोरीज बयान करना चाहता हूँ. और जैसे मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को और ऊपर बढ़ाना चाहता हूँ, सो दैट इज माई मोटिवेशन. अच्छा, क्या मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ अगर अजय तो? जी. मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि मुराद के साथ मेरी रिलेशनशिप बचपन से रही है, क्योंकि मेरी वालदा मेहताब राशिदी एंड मुराद वालदा परवीन शाकिर वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स इन देयर लाइवलीहुड एंड दैट्स व्हाट्स कनेक्टेड अस टुगेदर. एंड खुशी होती है कि हम दोनों भी आज कनेक्टेड हैं और इस मौके पे है कि हम पाकिस्तानी फिल्म्स को इस लेवल पे लेके आए, तो इट्स एन अचीवमेंट रिगार्डलेस. राफे, मैं इंतहाई माजरत आपसे कि जो कि ना मेरी कम इल्मी है कि मुझे नहीं मालूम था कि आप मोहतरमा महताब राशिदी के साहबजादे हैं. वो तो खुद बहुत बड़ा पाकिस्तान टेलीविजन का एक बहुत बड़ा नाम, और जहाँ हम बैठे मैं और सहरिश, यानी कि बींग ए एंकर, होस्ट, कंपेयर, वो उनका बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा उनकी अचीवमेंट है. तो मैं इसके लिए माजरत खाऊं, मुझे नहीं मालूम था कि क्योंकि मुराद के बारे में तो हमें बताया गया आपके और आप दोनों, फिर तो कनेक्टिविटी आपकी बचपन से वाकई बनती बिल्कुल. है. अच्छा, मैं वैसे एक चीज़ और भी सोच रही थी, चूँकि मुराद आपकी मदर सिंगल मॉम थी, और जाहिर है आपने बचपन में देखा होगा कि बतौर सिंगल मॉम कितना एफर्ट करना पड़ता है खातून को अपनी ज़िंदगी में. तो क्या एक वजह ये भी है कि खवातीन से रिलेटेड इशूज़ को हाईलाइट किया जाए, कि आप इस पर काम करते रहेंगे, कुछ ऐसी सोच है आपके जहन में? आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी. और उस वक्त तो मैं कम सिन था, तो मुझे समझ में नहीं आती थी. मैं जैसे मैं बड़ा हुआ और मैंने उनकी शायरी पढ़ी और उनकी कहानियों के बारे में पता चला कि, तो यस, एब्सोल्युटली, आई वांट टू एक्सप्रेस दैट पोर्शन ऑफ द फेमिनिज्म एज़ वेल, एंड आई वांट टू कंटिन्यू टू डू दैट. सही. और इसमें राफे आपके भी, बल्कि हम तो हमेशा से फख्र से ये बताते होते हैं कि यार पाकिस्तान टेलीविजन में अगर सबसे ताकतवर शख्स उस वक्त ज़ियाउल हक़ के सामने, उनके ऑर्डर के सामने को खड़ा हुआ, तो वो सिर्फ और सिर्फ महताब अकबर राशिदी साहिबा थी. इस बात पे तो आपको भी फख्र के ख़वातीन के हवाले से जो चीज़ें, जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको घर से बचपन से मिला है, वो भी फिर इस फिल्म में हमें नज़र आएगा. देखिए, आपके सामने दो ऐसे इंडिविजुअल्स खड़े हैं हु आर कमिंग फ्रॉम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन. सो ऑब्वियसली जो मैसेज है वो इस फिल्म के अंदर बहुत कायम है, ग्रूमिंग ऐसी है, तो ऑडियंस भी मायूस नहीं होगी. और हमारी ये कोशिश है कि हम मैसेज पहुंचाएं कि वुमेन एम्पावरमेंट इज द बेस्ट सब्जेक्ट व्हाटसोएवर, और ये खानदानी तरबियत है. और हम खुश हैं कि इस बात पे कि जो गाइडेंस या तरबियत मिली है, हम उसको अपनी अपनी फिल्म फेस्टिवल में भी कैटेगराइज करें. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. सही. अच्छा राफे, ये भी बताइएगा कि आपने बताया कि इस प्रोजेक्ट पे 2-3 साल पहले से आपने काम तो खैर शुरू कर दिया था, और उसके बाद अब ये ज़ाहिर है नॉमिनेट भी माशाल्लाह से हो गई है. इतना वक्त क्यों लग गया? अगर 2-3 साल पहले आपने शुरू किया तो फिर तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी. इस तरह उसकी वजह ये है कि बीच में मेरा सीरियल आ गया था बादशाह बेगम, तो एक टाइम पे एक बंदा एक ही काम कर सकता है. और जब आप फिल्म के लेवल पे काम करते हैं तो आपको तसल्ली के साथ, तहम्मुम के साथ काम करना पड़ता है. और जो अच्छी बात यह है कि जब मैंने इस पे काम शुरू किया तो मुराद का जब इंटरेस्ट आया तो मुझे इस बात की कि मेरा बचपन का दोस्त, मेरा बचपन का यार, और स्पेशली समवन हु माय मदर वाज कनेक्टेड टू इन हर यंगर इयर्स, वाज अ ग्रेट ग्रेट थिंग. So the timing was perfect in that aspect, and he came on board as an executive producer, which was a blessing in disguise for us. So sirf production ka chakkar tha, aur main is baat mein believe karta hu ki jab aap ek product banaye to ek time pe ek hi kaam karna chahiye, aur koi wajuhat nahi hai. That's it. नहीं, ये तो खैर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक वक्त में एक ही काम होना. लेकिन एक चीज़ जो है वो राफे, पाकिस्तान में ऐसी फिल्म्स बहुत कम बनती हैं जिस तरह से आपने जिन मौजूदात पे फिल्म बनाई. फिर पाकिस्तान के इस वक्त सिनेमा इंडस्ट्री में उस तरह का रश नहीं हम देख रहे हैं. फिल्म आज भी उस तरह बिजनेस नहीं कर पा रही. बैक टू बैक हमने 3-4 बड़े मौजूदात पे फिल्में देखी लेकिन वो उस तरह बिजनेस नहीं कर पाई. तो ये नहीं आप ये सोचते कि पाकिस्तान में इस वक्त सिनेमा बीन भी उस तरह नहीं आ रहे हैं, और फिल्म जो है वो, और ऐसे हसास मौजूदात पे फिल्में, तो हमें मसाला फिल्म ज़्यादा हमने माजी में भी देखा है वो चल रही होती हैं, तो मुश्किल हो जाता है बीइंग ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर. देखिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक बेहतरीन इंडस्ट्री है, हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री एक बेहतरीन इंडस्ट्री है. कोविड ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया बिकॉज हमारी इंडस्ट्री उरूज पे थी,
और हमारे पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं, मौजूदात हैं जो हम हाईलाइट कर सकते हैं, और एज ए यंग फिल्म मेकर लाइक माई सेल्फ एंड मुराद, हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को वापस रिवाइव करें. लेकिन बहुत ज़रूरी ये भी है कि हम उन इश्यूज़ पे बात करें जो पाकिस्तानी सिनेमा में एक्सेप्ट हों, क्योंकि हम लोग, हमारी जो इंडस्ट्री है वो कमर्शलाइज बहुत ज़्यादा है. मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स को जो है उसको हाईलाइट किया जाए और उसको दिखाया जाए कि हमारी अपनी कहानियाँ कौन सी हैं, और जब तक हमारी अपनी कहानियाँ एक्सेप्ट नहीं होंगी तब तक हमें फुल सक्सेस नहीं मिलेगी. बिल्कुल आपने ठीक कहा. अच्छा मुराद, मुझे आप बताइएगा, आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को, ये जो जामन का दरख्त है ये पाकिस्तानी कब कहाँ कैसे देख सकते हैं? अभी तो हम इसको इंशाल्लाह अगर हम सेलेक्ट हो जाएं तो हम कान्स में ही इसकी यू नो वर्ल्ड प्रीमियर करेंगे. Sorry. और फिर देन वी विल फिगर आउट कि इसको किस तरह लाया जाए, बिकॉज वी आल्सो हैव अनदर मूवी इन द वर्क्स, उसका नाम दीमक है, इट्स अ हॉरर मूवी. उसमें समीना पीरज़ादा हैं, फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, जावेद शेख एंड बुशान सारी. तो आई वांट टू मेक श्योर कि ये मूवी हम पहले रिलीज करें, उसके बाद फिर दीमक को भी रिलीज करें. सो एवरीथिंग हैज़ टाइड टुगेदर. अभी आपके दीमक में समीना पीरज़ादा और बुशान सारी भी आप उनको लग रहे हैं समीना पीरज़ादा फिल्म. सो समीना पीरज़ादा, फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, जावेद शेख एंड बुशान सारी, बहुत अच्छी कास्ट है इस मूवी की जो आप बता रहे हैं. मैं ये देख रहा हूँ कि जो फिल्म के लोग थे उनको फिल्म में वापस ले आए हैं राफे. तो क्या वो फिल्म भी आप डायरेक्ट कर रहे हैं दीमक? जी वो डायरेक्ट हो चुकी है. अच्छा. पोस्ट प्रोडक्शन में है. अच्छा. ये मुराद ने सरप्राइज ब्रेक कर दी है फर्स्ट एवर आपके चैनल पे, तो मुझे खुशी हो रही है. मेरे लिए तो हैरानी हो रही है राफे के समीना पीरज़ादा को आप फिल्म में वापस ले आए हैं, फैसल कुरैशी को आप फिल्म में ले आए हैं, और बुशरा अंसारी को फिल्म की तरफ आप लाएं. ये थोड़ा सा क्योंकि समीना पीरज़ादा ने बड़ी 80s में बहुत सी फिल्में की हैं, पंजाबी भी, उर्दू भी. फैसल कुरैशी 90s में बहुत फिल्में कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद तो ये टीवी के होके रह गए. तो राफी ये चल तो कर दिया है मुराद ने, लेकिन आप इसको थोड़ा सा बताएं ना कि ये क्या सीन है. देखें वंस अगेन द क्रेडिट गोज टू मुराद. ये एक हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो हमने डिस्कस किया था. इसको लिखा है आयशा मुजफ्फर ने, जो एक नॉवल पब्लिशर हैं, जिन्होंने जिनिस्तान, बाबीज ऑफ लाहौर लिखी है, अब्बूज जिन लिखी है, और ये एक बाकायदा सच्ची कहानी पे हमने बनाई थी. इंटरप्रेट एक्सपायर होने वाला है 30 seconds. और बेसिकली हमने जो है इसको तकरीबन नवंबर में शूट किया है, दिसंबर में. और समीन, जिस तरह मुराद ने बताया कि समीना पीरज़ादा जी, फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जावेद शेख साहब, बुशरा अंसारी, वेटरन्स ऑफ आर इंडस्ट्री. डायरेक्ट मैंने किया है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको 2024 में रिलीज करें पाकिस्तान और इंटरनेशनल सिनेमाज में. मुराद उसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं. मुझे खुशी है कि हम एक अलग वेंचर, अलग जॉनरा इंट्रोड्यूस करें पाकिस्तान में. एंड मुराद इफ़ यू अलाउ मी टू, हमारे पास इसके अंदर ठीक ठाक VFX का काम हो रहा है, जिन्स का कॉन्सेप्ट है, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है जो पहले कभी भी नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया है. So we are hoping for the best. चले जी, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है आपकी बात. हॉरर फिल्म को देखकर तो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच आपको राफी, बहुत शुक्रिया आपका भी. मुराद आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं. बेस्ट विशेज, अल्लाह करे कि आपकी ये मूवी भी जब पाकिस्तान में रिलीज हो तो इसको जबरदस्त पजीराई मिले, और उसके बाद दीमक को भी. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.